हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ आलू कतली की रेसिपी। आलू की कतली बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आलू चाहिए और बेसिक मसाले चाहिए, और अगर घर में सिर्फ आलू हैं तो आप आलू की कतली बनाइए। आलू की कतली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और झटपट से तैयार हो जाती है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आलू बहुत अच्छे आते हैं और आलू कतली उनसे बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आलू कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार बड़े साइज़ के आलू को अच्छी तरह से वॉश करके छील कर स्लाइसेस में काट लिया है गोल गोल, और ये मैंने रेड चिली सूखी लाल मिर्च और धनिया का सूखे धनिया का एक पेस्ट बनाया है, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन का पेस्ट, और ये है गरम मसाला एक चम्मच, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसके अलावा हमने लिया है यहाँ पर एक तेज़पत्ता और चार लौंग, और दो मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है, और इसके अलावा ये मैंने चार हरी मिर्च को काट लिया है। तो चलिए बनाते हैं आलू कतली। आलू कतली को हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, और वैसे आप इसे किसी दूसरे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ मैं 1.5 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ, ऑयल भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले रही हूँ। ये रेसिपी कोरमे की तरह बनती है तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ चार लौंग और एक तेज़पत्ता, अब इसमें हम आलू को ऐड कर देंगे। आलू को हम केयरफुली डालेंगे क्योंकि ऑयल गरम है। आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से हल्का से इसे टॉस कर लेंगे ऑयल में, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन का पेस्ट। लगभग 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और लगभग 4 छोटे चम्मच अनियन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और इसको भी एक साइड में ऐसे भून लेंगे हम। इस तरह से अब इसमें हम ये रेड चिली और धनिया का पेस्ट जो हमने तैयार किया है वो ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आलू और इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे जिससे मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और इन सब चीज़ों को इसी तरह से हम थोड़ी देर भून लेंगे अच्छी तरह से, जिससे हमारे टमाटर भी जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हम, ये देखिए टमाटर और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर पकाएंगे जिससे आलू गल जाएं। इसमें हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाते हैं आलू कतली में, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसे ढककर पकाएंगे लगभग 2-3 मिनट के लिए। लगभग 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम देखते हैं। ये देखिए मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है और आलू भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे,
और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, पानी सारा सूख चुका है। और आलू कतली में वैसे ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, लेकिन हल्की सी आप ग्रेवी रख सकते हैं इसमें। तो इसमें मैं लगभग दो कटोरी छोटी दो कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। और इसे ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो कतली टूट जाएंगी। और इसे ढककर पकाएंगे। लगभग दो मिनट पकाने के बाद ये देखिए हमारी आलू कतली बनकर रेडी हो गई है। और इसे आप सर्व कर सकते हैं, आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो गाइस, हमारी आलू कतली बनकर रेडी हो चुकी है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।